जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू गर्ल्स फोर्स कन्वर्जन, पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक भी डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने सुना है कि सिंध वाली साइड पे जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और वो माइनर बच्चे होती हैं 12 साल 13 साल, और उसके बाद उनको कभी अपने जो है परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। इस पर आप क्या कहेंगे और इस ये जो खबरें हम तक पहुँचती हैं इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखिए, इसमें सब एरियाज नहीं आते, इसमें कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैकबाबाद साइड, शिकारपुर साइड, जो हमारे इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर, या इसके लिए जो है ना बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देता है, इस्लाम के बारे में उनको बताया जाता है। तो जाहिर है फिर वो बच्चियाँ जो है ब्रेन वॉश, जैसे हमारे पास काफ़ी ऐसे लश्कर तैयबा में नाम नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे है तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं और एक एज भी उनकी ऐसी होती है, इनोसेंट होती हैं, फिर वो चक्कर में आ जाती हैं। मगर अल्लाह का करम है कि यहाँ पर हमारे जो एरियाज हैं यहाँ पर तो ये नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। हैदराबाद साइड, कराची साइड, हाँ इंटीरियर में है, वहाँ पर मौलाना भी कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं कि आप इनकी बच्चियों को वरगलाएँ ताकि हम उनको इस्लाम की तरफ लेकर आएं। देखें मज़हब कोई भी बुरा नहीं होता और हर मज़हब का पैगाम होता है मोहब्बत, अमन, भाईचारा। हाँ। तो अगर हिंदू कम्युनिटी है तो उसका भी पैगाम यही है कि सूफियाना ही पैगाम है उनका, जो सूफिया कराम ने पैगाम दिया है वही हिंदू कम्युनिटी का है, वही मुसलमान कम्युनिटी, क्रिश्चन भी वही। देखें हम लोग, आप मुसलमान कहते हैं अल्लाह और हम लोग कहते हैं भगवान और गॉड कहते हैं अंग्रेज, हाँ, यानी हर किसी का अपना अपना जो है वो खुदा है, मगर ये एक और सबका नजरिया भी एक ही है। बिल्कुल। अच्छा, जो जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है, एज ए वीमेन मैं और आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्या पैगाम देगी ऐसी गर्ल जो हमें सुन रही है, जो इस तरह की ज्यादती का शिकार है या जिनका फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा है या जिनको फोर्सफुली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसी लड़कियों को मेरे चैनल के थ्रू क्या पैगाम देंगी आप? हाँ, आपके चैनल के थ्रू यही है कि देखें बच्चियाँ जो होती हैं वो ना समझ होती हैं, उनको समझ नहीं होती है, ज़ाहिर है वो स्कूल पढ़ने के लिए भी निकलती हैं, वो बाहर भी निकलती हैं और आजकल मोबाइल आप देख रही हैं हर बच्ची के हाथ में होता है, तो उसमें जो है फिर वो ये होता है कि वो वरगलाने में आ जाती हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जब घर से निकलती हैं, मुसलमान होती हैं, तो उनकी माओं को आपने देखा होगा पैरों पे उनके गिरते हुए, मगर उनका ब्रेन इतना वाश हुआ होता है कि वो किसी की तरफ देखती नहीं है और नहीं अगर उनकी ज़बान पर आता है कि हमें इनके पास जाना ही नहीं है। तो इसके लिए यही है कि बस बच्चियों को थोड़ा तरबियत में ये बातें उनके जहन में समझाएं कि बेटा किसी के वरगलाने में नहीं आना है, बाकी अल्लाह मदद करने वाला है, भगवान मदद करने वाला है, रब्बुल आलमीन सबके भरम भी रखेगा और इज्जतें भी रखेगा। इन्होंने बहुत अच्छी मैसेज दिया है कि बच्चियों की तरबियत घर से इतनी स्ट्रॉन्ग करें वो किसी तीसरे के वरगलाने में ना आए, और इसी तरह से हम पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनको तहफ्फुज फराहम कर सकते हैं, क्योंकि लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट ज़्यादातर लड़कियाँ ही। आपने देखे होंगे जो भी वाकयात हुए उसमें जो है ज़्यादातर जो है बच्चियाँ आई, हाँ बच्चियाँ, और आप उनकी एज देखें ना, एज उनकी होती है 40 30 40, मैक्सिमम 15 50, इतनी इससे ज़्यादा नहीं होती है। ज़ाहिर है ये इनमेच्योर होती हैं, मेच्योर नहीं होती हैं, ये बेकावे में भी आ जाती हैं, लोगों के सब्ज बाग दिखाने में भी आ जाती हैं और पेरेंट्स बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ना खुदा अल्लाह सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे, भगवान सबको अपनी हिफाजत में रखे, बच्चियों की इज्जत रखे, रब्बुल आलमीन उनके पेरेंट्स की इज्जत रखे। बाकी है, बाकी लड़कियाँ ज़्यादा ही जा रही हैं लड़कों के बनिस्बत। हाँ बिल्कुल, इनका मानना है कि थ्रेट्स हैं लेकिन काम अगर माएँ बच्चियों पे करेंगी तो वो इन जो ये जो फोर्स कन्वर्जन है उससे बच सकते हैं। किसी और फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने घर दिवाली कैसे मनाई और वो फोर्स कन्वर्जन पे क्या राय रखती है। दोस्तों हमारे साथ एक और बड़ी ही खूबसूरत जो है फैमिली मौजूद है। सबसे पहले मैम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आज का दिन कैसे मनाया? बहुत अच्छा गुजरा। हम तो पहले तो दिवाली हम मिठाई से शुरू करते हैं, मिठाई
की दिवाली की खूबसूरती है और हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा मज़ा आता है, मेमोरीज बनाते हैं। सो आई लव दिस फेस्टिवल। ये बड़ा खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने से मजीद बढ़ती हैं। हमने अक्सर सुना है कि सिंध वाली साइड पे गर्ल्स का जो है ना फोर्स कन्वर्जन हो जाता है, माइनर्स लड़कियों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले बताएं इस बात में सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो है, बहुत सी सच्चाई है ना, हम ही इसको स्टॉप कर सकते हैं इस गंदगी। हाँ बिल्कुल, हमें है ना एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के खिलाफ, तभी हम छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो ज़बरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती हैं, सो वी शुड स्टॉप इट। ज़बरदस्त, आपने कहा कि हमें माशरे से आवाज़ उठानी चाहिए। हमने ये देख के हर दफ़ा लड़की को कन्वर्ट किया जाता, लड़कों को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता? क्योंकि लड़की को हम जल्दी फोर्स कर सकते हैं, लड़के को नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की तो किसी और के घर के जाती है, लड़के तो अपने ही घर होते हैं। लड़कों की ही वजह से लड़कियों की ये पाबंदियाँ वगैरह होती है ना, तभी तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इस वजह से 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई इसे इस्लाम कबूल किया, ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल, तभी तो वो इस्लाम कबूल कर देती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, फिर ये हो जाता है। हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हिंदूज फैमिली जो पाकिस्तान में रहे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी आज़ादी के बाद, उसके बाद कम होते होते बहुत कम हो गई है, जो थोड़ी से जो पब्लिक बची है, जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी बचे हैं, इनको हम कैसे तहफ़ फराम कर सकते हैं? कोई आपका एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, किसी की मदद करे? अब मैं जा रही हूँ, मेरी फैमिली जा रही है। ऐसे आज का दिन मनाया? ज़बरदस्त, बहुत इंजॉय करे। यहाँ पे हर जगह होली के जो है पटाखे, होली के दिवाली। आप लगते हैं आपको ज्यादा ही खुशी चढ़ गई है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ज्यादा खुशी चढ़ी है, पहली मरतबा आए यहाँ पे एंजॉय करें। कहाँ से है? सिंध से। मोरो से आए हुए हैं। और आप? हम पंजाब गुजरांवाला से हैं। पंजाब गुजरांवाला, मैं भी लाहौर से हूँ। पंजाब के लोग सिंध में क्या कर रहे हैं? हम स्पेशली ये दिवाली के हवाले से आए हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली हम गुजरांवाला से दिवाली मनाने ही आए हैं। आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? मुस्लिम हैं। अच्छा, मुस्लिम है। ये मिट्टी के दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि दूर दूर से फॉरेनर्स भी अभी आए थे यहाँ पर, यहाँ की दिवाली को देखने के लिए। कैसे तासुरात आ रहे हैं जी? जहाँ पर देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो है हिंदू लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है, कहने की बात है वो इंडिया जा रहे हैं, और कोई कह रहा है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, ये तमाम मसले मसाइल है, उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अलग ही नज़ारा है। देखें, वो तो सबको सब नज़र आ रहा है, फैसिलिटीज़ जो उनके हिंदुओं को यहाँ पे मुस्लिम के बराबर मिल रही हैं। बिल्कुल, ऐसा वैसा कोई डिफरेंट नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब भी हैं और हम मिल के खाते हैं कि बर्तन में, और ऐसा वैसा कुछ हमारे मामले दरमियान कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है हमारे दरमियान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मिलके दोस्त अहबाब भी हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों के जेहन में ये डाला जाता है अगर आप नॉन मुस्लिम का त्यौहार मनाओगे तो दायरे इस्लाम से आप खारिज हो जाओगे, यू नो, इस तरह की बातें बहुत बताई जाती हैं, फैलाई जाती हैं। लेकिन वो बैकवर्ड एरिया में ऐसे होता है, लेकिन जैसे इंसान बाशऊर हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसी बातें नहीं। ये एक फेस्टिवल है। बिल्कुल, और पाकिस्तान का फेस्टिवल है, हम मना सकते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं, मिलजुल के मनाएंगे। आप क्या कहेंगे दिवाली पे, क्या पैगाम देंगे? मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए यही पैगाम देना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली और वेल एंड गुड। हम सब यहाँ पे मिलके एंजॉय करें, ऐसा कोई भी जो ना मसला मसाइल यहाँ पे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सब कुछ यहाँ पर। अच्छा, हम एक और सवाल भी सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे। हम देखते हैं कि हिंदू लड़कियों का जो है ना फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, लेकिन लड़कों का नहीं होता, क्यों? समझ नहीं आया मतलब। छोटी जो हिंदू लड़कियां होती है, कहते हैं इसने इस्लाम कबूल कर लिया, अब ये मुस्लिम हो गया, अब ये हिंदू नहीं, लेकिन किसी लड़के को हमने नहीं देखा कि उसका किसी ने उसको इस्लाम कबूल कराया। मुझे नहीं पता इसके बारे में। आप क्या कहेंगे, ये जो खबरों में आता है, ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में मतलब फोर्सफुली, एक तो बंदा होता है ना खुद फोर्सफुली कन्वर्जन के बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने तो नहीं देखा किसी को कोई बाई फोर्स किया हो, किसी ने तो सिंध एरियाज में। हाँ, बड़े लाहौर में तो हमने नहीं देखा। हाँ, पंजाब में भी मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि सिंध में जो है वो हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है। Exactly. लेकिन पंजाब में हम, क्योंकि हम वहाँ पर ज्यादा आइडिया है हमें पंजाब में। हाँ, पंजाब में तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और सिंध के हवाले में हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं, ना ही हमारे दोस्त बाबू ने कभी हमें ऐसा चीज बताई है, और ना ही कभी किसी को फोर्स किया गया कि वो इस्लाम कबूल करे, अपनी मर्जी से जो करता है वो अपनी मर्जी से। जो अखबारों में आता है वो सब फेक होता है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, वो सब फेक है। और जो वीडियोस में गर्ल्स आती हैं वो तो फिर यहाँ तो वो एक क्या क्या किसी के प्यार मोहब्बत नहीं, जुल्म भी हो सकता है ना, ये तो नहीं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी ये आइडिया नहीं, ना कभी हमें देखा है और ना हमारा चीज में कोई एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे दोस्तों, ये मेरा भाई बोल रहा है कि ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन इनके ही पीएम, पूर्व पीएम इमरान खान ने माना है, स्वीकार किया है कि हाँ, पाकिस्तान में
हिंदू लड़कियों का फोर्सफुली कन्वर्जन होता है। अब बताइए, ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जहाँ का पीएम खुद मान रहा है इस बात को कि नहीं ऐसा होता है, उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। बहुत खुशी हो रही है, मुस्लिम हैं और इतनी दूर से पंजाब से आए हैं जी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, सब यहाँ पर बहुत खुश हैं। और कहते हैं त्यौहार खुशी का दिन होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जी हाँ, मुस्लिम हूँ, मैं मिट्टी का हूँ। मिट्टी के ही हैं और आप दिवाली मना रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, दिवाली मना रहे हैं, हम खुद दिवाली मना रहे हैं। कोई फतवा नहीं आता कि मुस्लिम होके दिवाली मना रहे हैं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, हम जो ये हिंदू हैं और मुस्लिम हैं ना, हम जो थरपारकर में रहते हैं साथ रहते हैं। जबरदस्त, वो जो है ना हिंदू लोग, वो और हम में कोई फर्क नहीं है। वो हमारी ईद पे भी जो है हम साथ ईद मनाते हैं, और उसी का जो भी ईद हो त्यौहार हो हम साथ मनाते हैं। अगर कैमरा दिखा सके तो ये क्राउड देखिए, और कितना प्यारा सजाया गया ये ग्राउंड है जहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि सिंध वाली साइड पे हिंदू लड़कियों को कहते हैं इस्लाम कबूल कराया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये कबूल कराया नहीं जाता है, ये इसमें सदाकत कोई नहीं है, ये खुशी की बात है। ठीक है, हाँ भाई, देखो खुद करे तो खुशी की बात है, जबरदस्ती कराया तो गलत बात है। नहीं नहीं, ये नहीं जबरदस्ती का, वही वो कोई नहीं है, वो आप कह रहे हैं नहीं है? नहीं, वो खबर गलत है, मतलब वो बिल्कुल खबर। और जो जो मतलब अखबारों में होता है या पे पुलिस स्टेशन में होता है, उन खबरों के बारे में आप क्या कैसे कंडेम करेंगे, क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे? नहीं, जो भी होता है ना, वो हम साथ ही रहते हैं, एक फैमिली के साथ रहते हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम है, एक साथ रहते हैं, बिल्कुल एक फैमिली जुड़ी हुई है हम की। अच्छा, प्यार हो गया किसी से, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक हो गया प्यार, कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। हाँ, बस यही है, बाकी और जो जोरी जबरदस्ती का वो कोई नहीं है। हाँ, इधर कोई वो जो हम अगर अपनी बात के, क्योंकि हर बंदा अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, और किसी को प्यार मोहब्बत हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वो अपनी मर्जी से करे तो करे, फोर्सफुली नहीं होगा। नहीं नहीं, फोर्सफुल प्यार हो गया, ठीक है, तो मतलब कि लड़की ने शादी कर ली मुस्लिम लड़के से और कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वही प्यार अगर मुस्लिम लड़की को और हिंदू लड़के से होगा तो क्या आप लोग स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे, वो कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कोई नहीं है। जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली दफा हमने देखा है कि जहाँ पे मुसलमान भी दिवाली मनाए। पटाखे फोड़े कि नहीं? हाँ, बहुत फोड़े, बहुत फोड़े, अभी फोड़े। कितने रुपए के पटाखे लिए दिवाली? पैसे की, पैसे का वो नहीं है सिस्टम, पैसे का कोई ही सिस्टम नहीं, पैसे है। का कोई सिस्टम है। मिठाई कितने किस्म की खाई? मिठाई तो थर की मिठाई जो है ना हमारे, खास करके मिठी की, वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बनती होगी। मैंने यहाँ टेस्ट किया, यकीन करें बहुत मजेदार। अच्छा अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो और हिंदू फैमिली की तरफ से मिठाइयाँ भी आई? हमने दिल से खाया, दोस्तों को खिलाया, आपको खिलाऊंगा, कोई मसला नहीं है, जरूर आपसे मिठाई खाएंगे। कितनी फैमिलीज, हिंदू फैमिलीज की तरफ से आपके घर मिठाई आई है? यार तकरीबन गिनती के हिसाब से नहीं हो गए, गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानियों के बीच इसी तरह प्यार मोहब्बत कायम और दायम रहे, दिवाली हो या ईद हो, रमजान हो या फिर होली हो, पाकिस्तान का कल्चर तभी सबके सामने आएगा जब हम तमाम मजाहिब को एक जैसी रिस्पेक्ट देंगे, मोहब्बत देंगे। ये एक फेस्टिवल है, जैसे ईद है, 14 अगस्त है, इसी तरह दिवाली एक फेस्टिवल है, और बहुत से मुसलमान मुझे फैमिलीज के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में दिवाली फेस्टिवल आपने इस तरह पहली दफ़ा देखा होगा, क्योंकि कभी किसी ने दिवाली की इस तरह से कवरेज नहीं की। मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप सबके लिए लाती रहूँ। मिलते अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें, गॉड ब्लेस। दोस्तों, अगर पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम मिलकर दिवाली और ईद मना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।